देखिए MUPS अकोला न्यूज, हर खबर आपके सामने। नमस्कार, आपका MUPS न्यूज चैनल में स्वागत है। EPS पेंशन धारकों का विशाल मोर्चा। EPS पेंशन धारकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर विशाल मोर्चा निकाला। इसके बाद उक्त कार्यालय के आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन की ओर से कहा गया है कि 9,000 रुपए पेंशन व उसका महंगाई भत्ता देने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा हायर सैलरी पेंशन बिना शर्त लागू किए जाए। सभी पेंशन धारकों को ESI के अनुसार आरोग्य सेवा दी जाए। कोशियारी कमेटी के अनुसार 3,000 रुपए पेंशन व उसका महंगाई भत्ता जल्द लागू किया जाए समेत अन्य मांगों को लेकर विशाल मोर्चा निकाला गया। इस दौरान संचालक नयन गायकवाड़, रमेश गायकवाड़, राजेंद्र भातुलकर, मुरई मुकुंद राव गावंडे, गोपाल मांगेटकर, ST इंगोले, SN सोनो ने सभा को संबोधित किया। कामगार कर्मचारी विरोधात असलेल्या धोरणाच्या विरोधात आहे, कारण सत्तेवर येण्यापूर्वी या सरकारनं आम्हाला 24 फेब्रुवारी 2014 ठोस असं आश्वासन दिलं होतं की EPS 95 पेन्शन धारकांना 3,000 महागाई भत्ता दिल्या जाईल। 4 वर्ष संपून राहिले, 1 पैशाची त्यात पेन्शन वाढ नाही, म्हणून आजचा मोर्चा काढण्यात येत आहे। आणि ज्यांच्या देशसेवेत काही ज्यांची सेवा नाही अशा मिसामध्ये अटक असलेल्या महिला को गैंगरेप की धमकी, न्यायालय ने याचिका ठुकराई। महिला के साथ दुष्कर्म के बाद जमानत पर छूटे एक आरोपी उन्हें गैंगरेप की धमकी दे रहा था। इसी बीच न्यायालय में दूसरे आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नजीब शेख ने आक्षेप लिया, जिससे न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अकोला निवासी महिला अपने पेट दर्द से काफी परेशान थी। इस बीच उनके पड़ोसन ने उन्हें बताया कि बुलढाणा जिले के मलकापुर पांगरा निवासी अख्तर बाबा उचित उपचार करता है, जो बुलढाणा जिले के ग्राम सैलाली में इलाज करता है, जिसके महिला बोंदू बाबा से जाकर उपचार कराया, किंतु आराम न होने के कारण पीड़ित ने बाबा को फोन द्वारा तबियत में सुधार न आने की बात कही, जिस पर बाबा ने बताया कि स्वयं वो पातुर आने वाला है। वहां पातुर के शाह बाबू दरगाह के पीछे स्थित पहाड़ी पर पहुंचे। बोंदू बाबा के बताए हुए स्थल पर महिला 2 अप्रैल को पहुंची, जहाँ पर बाबा के साथ कलंदर खान, रोशन खान भी मौजूद थे। महिला को दवा के नाम बेहोशी की दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उन्हें बताया कि उनका उपचार हो चुका है। कुछ दिनों के बाद महिला को अश्लील फोटो भेजकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत महिला ने पातुल पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि मामला काफी गंभीर है। जमानत पर रिहा आरोपी गैंग रेप की धमकी दे रहा है, दोषारोप पत्र भी दायर है, जिससे मामले के सभी सबूत पेश किए जाए, यह कहते हुए न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी। हमारे भारत का एक कल्चर है कि आज भी यहाँ लोग जो है वो बड़े पुरानी प्रथाओं पर यकीन करते हैं और सीधी साधी जिंदगी बिताते हैं। बहुत जल्दी अगर कोई किसी पुरानी सभ्यता को लेके किसी ने अगर उनको कोई बात कही तो मान लेते हैं। ऐसे ही बोंदू बाबाओं का दौर भी आज भी भारत में जो है तो चलन में है। ऐसी एक घटना हमारे यहाँ पातुर तालुका में एक महिला पीड़िता के साथ घटी थी, जो अकोला की रहने वाली थी। कुछ लोगों ने उस महिला को जादू टोना और उसका इलाज करवाने के इरादे से पातुर तालुका के शाहबाबू दरगाह के परिसर में बुलाया। वहाँ उस महिला के साथ उसका शोषण किया गया, उसको भूमि की औषधि देकर। पुलिस स्टेशन पातुर ने उसमें से एक आरोपी जिसने यहाँ पे बेल दाखिल किया था, न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी जो है तो खारिज किया और पहली बार ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती है मोबाइल कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट ने जो है तो बुरी धरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कोर्ट ने ये निर्णय लगाया यदि जमानत दी गई तो फिर से एक संगीन अपराध हो सकता है, इसीलिए आरोपी को जो है तो जमानत नहीं देना चाहिए। ऐसा आदेश विद्यमान जिला व सत्र न्यायाधीश मैडम ने दिया है, आयरलैंड मैडम ने दिया है। इस जमानत के खारिज होने के बाद ये बात तय है कि बोंदू बाबाओं का दौर इस देश में अब ज़्यादा दिन कायम नहीं रहने वाला, ऐसा मुझे लगता है।
दूसरी बात, इस केस की एक प्रमुखता हम देखें तो इसमें प्रमुखता से एक बात ये है कि ये जो जमानत खारिज हुई है इसी में एक आरोपी को विद्यमान हाईकोर्ट ने जमानत दिया था, उसको जमानत मिलने के बावजूद भी इस आरोपी की जमानत याचिका विद्यमान सेशन जज अकोला ने खारिज किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस केस की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह की न्याय अगर लोगों को मिले तो भूंदू बाबाओं का दौर ज्यादा। प्रभागों के विकास में हो रही राजनीति, अकोला शहर का संपूर्ण विकास होना चाहिए, लेकिन सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी प्रभागों के विकास में राजनीति कर कांग्रेस पार्षद पर नहीं बल्कि जनता पर अन्याय कर रही है। विकास कामों के लिए जो निधि मिलता है उसे समान वितरित न करते हुए कांग्रेस पार्षद के प्रभागों में कम निधि दिया जा रहा है। अगर भाजपा सत्ता दल ने अपनी निधि में बदलाव नहीं किया और फिर इस तरह कम निधि दिया गया तो नागरिकों को उसी तर्ज पर टैक्स अदा करने के लिए कहा जाएगा। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के माध्यम से मनपा विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान ने दी। इस अवसर पर विरोधी पक्ष नेता साजिद खान पठान के साथ ही कांग्रेस के पार्षद मोहम्मद नौशाद यूसुफ, पराग कामले, इरफान अब्दुल रहमान, विभा राउत आदि उपस्थित थे। आगे बोलते हुए साजिद खान पठान ने कहा कि शासन की ओर से विविध योजनाएं के अंतर्गत प्रभागों में विकास कार्य के लिए मनपा को जो निधि प्राप्त होता है उसके वितरण में सत्ता दल भाजपा द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। इस कारण विगत 1.5 साल में प्रभागों का विकास नहीं हो पा रहा है, नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भाजपा सत्ता दल के पार्षद के प्रभागों में 60% निधि जबकि विरोधी दल के पार्षद के प्रभागों में 40% ही निधि दिया जाता है। इस प्रकार सत्ता दल नागरिकों को बुनियादी सुविधा व विकास से दूर रख कर रहा है। इससे कांग्रेस के 13 पार्षदों को प्रभाग में रोष का सामना करना पड़ रहा है। अकोला शहर की जनता के लिए मेरी यही आशा है ये सत्ताधारियों से कि जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, ये सब भूलकर ये सिर्फ यानी पार्टीवाद और यहाँ राष्ट्रीयवाद जो चला इन लोगों ने यहाँ बैठ के, कि सत्ताधारी के जो भी नगर से हो गए भाजपा के उनको ज़्यादा निधि और विपक्ष के जो भी नगर से हो गए उनको कम निधि। तो अभी इनका धोरण अभी हमने ये तय करे कि हम चलने नहीं देंगे। आने वाली नीति के अंदर कांग्रेस के नगर सेवक के साथ में भेदभाव हुआ, विकास नीति के अंदर हमको और आधा पैसा दिया गया, तो हम अपने वार्डों में एक आह्वान करेंगे, जनता के एक जन जागरूक कार्यक्रम चलाएंगे वार्डों के अंदर कि जितनी निधि मिलती 40% निधि मिलती 40% टैक्स भरेंगे, 100% निधि मिलेंगी 100% टैक्स भरेंगे। हम जब तक अभी 100% टैक्स नहीं भरेंगे जब तक 100% निधि हमको नहीं मिलती। ये कांग्रेस के नगर सेवक ने ये अपने प्रण लिया है और हम इसको पूरा करके 18 जुलाई को अधिवक्ता रखेंगे पक्ष। बाकराबाद में माली परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस अभियान की सुनवाई पूरी हो गई। 18 जुलाई को सरकारी तथा आरोपी के अधिवक्ता अपना पक्ष न्यायाधीश के समक्ष पेश करेंगे, जिसके बाद इस हत्याकांड के फैसले पर सुनवाई की तारीख तय होंगी। इस बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर न्यायालय क्या रुख अपनाता है, इस और जिले वासियों की निगाह लगी है। उरुल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम भाकराबाद में 14 अप्रैल 2014 को पुलिस पटेल दत्ताराम विश्वनाथ माली ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 2 एकड़ जमीन का इशार होने के बाद खरीदे के लिए विश्वनाथ माली ने न्यायालय में सिविल सूट दायर किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने फैसला उनके पिता के हक में देते हुए पुलिस की उपस्थिति में खरीदी करवाई थी। इस बात से गुस्साए गजानन वासुदेव माली, उनके बेटे नंदेश गजानन माली, दीपक गजानन माली ने उनके पिता विश्वनाथ माली, बहन वनमाला रोकड़े, राजेश भगवंतराव माली, योगेश भगवंतराव माली पर कुल्हाड़ी तथा मवेशियों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कड़बा कटार के पात से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने उपरोक्त 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 452, 34 के तहत अपराध दर्ज कर अपराधियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। उरल थाने के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक GL इंगोले ने मामले की जांच कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त अभियोग की सुनवाई तृतीय जिला व सत्र न्यायाधीश की VD केदार के न्यायालय में चल रही है। सरकार पक्ष की ओर से अब तक 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं, जबकि आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने 2 गवाह पेश किए। अभियोग में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद दोनों अधिवक्ताओं को पक्ष रखने के लिए 18 जुलाई तय की गई है, जिसके बाद हत्याकांड पर फैसले की तिथि तय होंगी। बता दें कि घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है। UPS अकोला न्यूज चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले।